अभी देखिए ये मेरे फ्लैट का जो सीढ़ी है, सीढ़ी के सामने इस तरह से जूता पड़ा रहता है, ऑर्गेनाइज्ड बिल्कुल भी नहीं है। और ज़्यादातर लोग आ जाते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि फ्लैट भी है तो थोड़ा सा अगर हम एंट्रेंस के सामने इस तरह से जूता इधर उधर रखेंगे तो बाकी लोगों को भी परेशानी हो सकता है। तो मैंने इसलिए एक प्रोडक्ट ख़रीदा है, एक शू रैक, जिसको मैं यहाँ पे रखूँगी और ये सारे शूज़ को ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। तो चलिए पहले वो रैक देख लेते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया है और ये एक शू रैक है। तो मैं अभी इसको आपको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ कि इसका क्वालिटी कैसा है और ये कितने लेयर्स में आता है, और इसको सेटअप करने के बाद भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए इसको पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। प्लास्टिक का क्वालिटी का बना हुआ है, मतलब ये प्लास्टिक का है लेकिन क्वालिटी इसका बहुत ही अच्छा है और बहुत ही हार्ड है, क्योंकि ये बहुत ही हेवी वेट कैरी करने वाला है। अभी मैं देखती हूँ स्टैंड, लेकिन ये स्टैंड जो है बीच में से ऐसा क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये जो यहाँ पे इस तरह का है ना, इसको देख के मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि ये टूटा हुआ है या फिर इसका डिज़ाइन ही ऐसा है, जब तक मैं इसको पूरा ना खोल लूँ। ये अलग से है, अलग सा कुछ रॉड वगैरह दिया हुआ है और दो स्टैंड है। ये रॉड आयरन का बना हुआ है, ये वाला जो स्टैंड है। तो यहाँ पे ये तीन दो स्टैंड और ये एक बीच में है, इसका भी मुझको सेटअप करना है। देखिए ये वाला जो सेटअप है मुझको इसको इस तरह से सेट करना है। ये वॉल माउंटिंग हो सकता है और आप स्टैंड करके भी रख सकते हैं। मैं स्टैंड ही करूँगी, वॉल माउंटिंग नहीं करूँगी, लेकिन अभी इसके हिसाब से मैं इसको पूरा सेटअप करूँगी। तो अभी देखिए ये मेरा स्क्रू ड्राइवर का सेट है, तो मैंने ऑलरेडी सेट कर लिया है अकॉर्डिंग टू द स्क्रू। ये सारे स्क्रूज यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है पैकिंग के साथ। चलिए अभी मैं एक एक करके इसका सेटअप करती हूँ। पहले ये वाला जो है वो एकदम मैं नीचे के लेयर में लगाऊंगी। कोशिश करके देखती हूँ, मेरे हस्बैंड होते तो बहुत अच्छा होता, इसमें मेरी हेल्प हो जाती। एक स्टैंड यहाँ पे सेट हो चुका है, कर लेती हूँ इस साइड में। अभी चलिए स्टैंड तो सेटअप हो चुका है और बाकी जो दो लेयर है वो भी मैं पहले सेट कर लेती हूँ। आफ्टर सेटिंग मैं आपको दिखाती हूँ, सेम वे में ही सेट करना होगा, उसके बाद दिखाती हूँ कि स्टैंड किस तरह से रेडी होता है।